में चार लोग आ गए हैं, इसके तीन बच्चे और एक ये। नहीं नहीं, दो लोग मेरे से, चार लोग नहीं, तो पांच। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि कल मैं अपना ब्लॉग इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी हमें इमरजेंसी आने के घर पे। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि कल मैं अपना ब्लॉग इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी हमें इमरजेंसी आने के घर पे जाना पड़ गया था। आने का एक्सीडेंट हो गया हमारी, उनके फेस वगैरह पे बहुत सारे स्क्रेचेस वगैरह आए हैं, उनका जो राइट हैंड है वो बिल्कुल बैंड हो गया, उठ नहीं रहा उनसे, तो इस वजह से हम वहाँ पर चले गए थे स्पेगेटी बनाने। और खाने के बाद तो मेरा पूरा सही से प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना पाई थी और ये लोग भी लेट आए थे, इस वजह से तो मैं नहीं कर पाई थी। अभी नेक्स्ट डे, आज फ्राइडे है और इरहा को मैंने तैयार करके सुला दिया है, ये सो रही है। आज मैंने इसको पहनाया है जोहान के कपड़े, निदाबाजी का छोटा वाला बेटा है ना जोहान, उसका ड्रेस है। तो निदाबाजी ने मुझे दिया था कि रुका ये बिल्कुल न्यू ड्रेस है और तुम इरहा को पहना देना, ये मैंने जोहान को नहीं पहनाया था। कोई होता है ना कपड़े के, हम कोई कपड़े नहीं पहना पाते आने जाने की वजह से हम रख दिए जाते हैं, तो ये वही चीज़ थी। तो मैंने आज इसको येलो ड्रेस पहनाया है और आज निदाबाजी का ये था कि शायद वो आज आ जाए पूरे दिन के लिए, और हिरा ने भी मुझे कॉल करके बोला था कि वो भी आएगी, बट ना वो आई है ना निदाबाजी आई है। इस दफ़ा मैंने पूरा वीक अकेले ही गुजारा है इन लोगों से कॉल पे बात कर करके। अच्छा, इन लोगों को भी ना लगी हुई है कि रूबा अपने आई हुई है तो टाइम पे कॉल कर रही है, डेली दोपहर में निदाबाजी की कॉल आती है और निदाबाजी की नहीं आ रही तो हिरा की वीडियो कॉल आ रही है कि क्या कर रही हो, ऐसा क्या हो रहा है। तो मैं उनको तंग करने के लिए बोल रही हूँ, हम तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम बहुत मज़े कर रहे हैं यहाँ पर। और अभी अम्मी नमाज़ पढ़ने गई हुई हैं, मैं भी नमाज़ वगैरह पढ़ने जाऊँगी उसके बाद। अच्छा, इस दफ़ा का ये है कि मेरे ससुराल में इरहा सबसे अटैचर हो, उसका देखना वेखना ये सब कुछ होता है, तो वहाँ पे गोदों में चली भी जाती है अपनी दादी की। यहाँ पे तो मैं इससे दो कदम दूर भी उठ के नहीं जा पा रही, इतना रो रही है, इतने मोटे मोटे आंसुओं से ये रो रही है कि बस। तो इसके सारे वाले कपड़े मेले पड़े हुए हैं, मुझे समझ मतलब बिल्कुल भी उठ के जाने नहीं दे रही है। तो मैंने ये सोच रही, मैंने कहा अभी सो गई, इनकी नींद भी इतनी कच्ची होती है आप सब जानते ही हैं, चिड़िया जैसी नींद होती है। और अभी मैं इनके सामने बोल रही हूँ, मुझे पक्का यकीन है कि उठ जाएगी, बट व्लॉग बनाना भी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। और आप क्या कहना है, अभी लोग सब आएंगे तो मैं आप लोगों से मिलवाऊंगी। ये देखिए, जो मैंने स्पैगेटी बनाई थी, मुनीशा मुंह छुपा के खा रही है और इसने पूरी प्लेट ख़त्म कर दी है। मैंने कल ही खाई थी। तुमने कल रात को भी नहीं खाई? पेट भरा हुआ था मेरा। अच्छा, और जबकि मैंने इतनी सारी बनाई थी, मुझे पता था तुम भी खाओगी, फिर नेक्स्ट डे भी दिल चाहता है खाने का, तो मैंने बहुत सारी बनाई थी स्पैगेटी। मैं भी अभी स्पैगेटी खाऊंगी, रहमा भी खा के गई है ना, अभी रहमा भी खा के गई और मैं भी खाऊंगी अभी। अच्छा, आपको हीरा शायद आए लेकिन उसने मना कर दिया, बट एक मिनट, उसकी मुझे अभी कॉल आई, मैंने कहा हेलो तो करी, नीचे आगे गेट खोला, अब मैं नीचे गेट खोलने जा रही हूँ। मैंने उसको बोला, मैंने कहा 5 मिनट रुको हीरा, मैं 5 मिनट में आऊंगी क्योंकि मैं ब्लॉग बनाती हुई आऊंगी तुम्हारा। तो मैं नीचे उतरी गेट खोलने के लिए, एक्चुअली लाइट चाहिए हुई है और इलेक्ट्रिक लॉक है, थोड़ा कैमरा हिल रहा होगा स्टैंड मशीन लगी हुई है।
मशीन ही लगी हुई, मैं हीरा के कपड़े धो रही थी। हीरा है भाई, अरे आप लोग सो यहाँ पे लग गई है आज रौनक, क्योंकि हीरा भी आ गई है घर पे। हीरा हीरा को झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है ये, बैठकर मैं उंग रही थी अभी, झूठ बोल रही है ये, नींद आ रही थी मुझे हीरा को आने के बाद, नींद आ रही थी मैंने सोने कह रही थी रौनक। तो रौनक ने लगी हुई मुनीषा, ये रौनक की और क्या है, इनके तीन बच्चे मतलब के घर में, हीरा को देखो कोने पे जा रही है, मीन्स के घर में चार लोग आ गए हैं, इसके तीन बच्चे और एक ये, मैंने दो लोग पहले से, चार लोग नहीं मुनीषा, पांच लोग आ गए, दो हीरा और तीन इनके बच्चे, और तीन इनके बच्चे, और यहाँ पे बैठी हुई है मुनीषा मैडम। आज हमारे बन रहा है गोभी गोश्त और कोई बात नहीं, हीरा की टिंडू फूट गई, और यहाँ पे बन रहा है गोभी गोश्त। मैम रोटी पका रही है, बहुत अच्छी रोटी बनाने लगी है। हमारे यहाँ तीनों भाइयों को अरीश मुई चादर, इन सबको गोभी गोश्त बहुत पसंद है, तो हमारे यहाँ बहुत ही बनता है। चादर तो मेरे हाथ की है। और हाँ आ रही हूँ, और शाहदेव को रहमा के हाथ की रोटी बहुत पसंद है, तो ये रोटियाँ पका रही है रहमा। कितनी रोटियाँ बना ली, क्या हो गया, यहाँ हेजल की ड्रेसिंग हो रही है। हाय हेजू, हेजल चोट कैसे लगी थी आपके, ऐसे ही लग रही है। ये हीरो ये हर वक्त इस तरीके से रेडी होते हैं जैसे ये किसी बारात में जा रहे हैं, जेल के बिना तो इनके बाल ही नहीं बनते, और परफ्यूम के बगैर ये निकलते नहीं। अभी भी इधर खरीद के लेके आए 100 रुपीज का, इधर आओ, घड़ी के फैन भी है क्या, घड़ी के फैन, घड़ी के फैन भी है ये, बहुत ही ज्यादा, चार तो घड़ियां हैं इसके पास अलग अलग, जी सारी अलग अलग, चार घड़ियां हैं इसके पास। इसका देखो पुलिस का बैठना मुश्किल कर दिया था इसकी घड़ी पे, अच्छा और कॉल करके मेरी घड़ी दे दे, घड़ी दे ओ मेरी, अच्छा दूसरा फरहान भाई लगते हैं मुझे, छोटा फरहान भाई, बाप रे अरे दुकान पे देने आए इसकी घड़ी। यहाँ पे ये मैंने एजल को, सॉरी पता है आराम से पूछा जाता है पहले फोन करके, आप घड़ी पहन के गए हो, अच्छा दुनिया इधर से उधर उधर से घड़ी पहनी, पापा भी बिना शर्ट के सोते हैं तो मैं भी बिना शर्ट के ही सोऊंगा, हाँ मैं यही तो बता रही थी, बनियान पहनती सोती हूँ, बनियान ही पहननी है इनको। और अच्छा यहाँ पे मैंने इरा को जो फ्रॉक पहनाई है ये मुझे मुनीषा लेकर आए थे, और मैं इतने टाइम से मैंने पहनाई नहीं थी, तो मुझे बोला तुमने अब तक मेरी फ्रॉक नहीं पहनाई जो मैंने दी थी, तो मैंने आज स्पेशली फ्रॉक पहनाई है शाम के टाइम पे, कि मुझे आएगा अभी तो देख के खुश हो जाएगा। ये थोड़ी खेल रही है, बच्चे बच्चे आए हैं तो, और हीरा को लगता है ये तंग नहीं करती, पागल की आवाज, यस नॉर्मल है ऐसे बच्चे, हाँ अच्छा हीरो अच्छा, यहाँ बच्चे फड्डा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और हीरा डांट रही है इन लोगों को, हीरा जाओ, अरे सबूर पीछे हो, सबूर अरे गुस्सा कर रहा है, गिर जाओगे हीरा, खिलवाड़ कर, आ जाओ भी खाना खाते हम सब, यहाँ पे दस्तरखान लग रहा है, तब हम सबको बहुत भूख लग रही है, ये लोग भी आ चुके हैं अपने अपने काम पर से, तो कम कम उठाओ कहीं पर क्यों उठा रहे हो, अरे वो थोड़ा सा शादी यहाँ पे इरा से फिर से पूछ रहा है कैसे लगी, क्योंकि इरा इतना प्यारा बताती है, इधर कैसे लगी और कहाँ लगी, लगा कि तुम पूछ रहे हो उससे, ये बोला के लिए मैं कौन हूँ, ये कार में ये कह जा रही है आप ठीक हो, मैं तो हाँ मैं ठीक हूँ, कब से ये कह जा रही है आप ठीक हो, मैं ठीक हूँ, अच्छा आप कैसे हो, मैं भी ठीक हूँ। तो अब हम लोग खाना खाएंगे, चलो एंजॉय करेंगे, क्या बता रहे हैं, कितना मोटा दाल निकल गया जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दाने को जूम करा जाए, कोई बात नहीं सही हो जाएगा। इरहा क्या हुआ,
हामी अच्छा तो यहाँ पे मेहरान आ चुके हैं। तुम रो गई अपनी ना थोड़ी आवाज हल्की रखो मेरी मुन्नी सो गई है। तुम रो गई क्या रो के फोन नहीं कहता तो मैंने हंसते हंसते कॉल की क्या आवाज बहुत खराब हो रही है मैं अरे दिमाग खराब कर दिया है तुमने मेहरान 24 घंटे बाद मेहरान 24 घंटे बाद चलेंगे आप लोग हीरा के ब्लॉग में देखेंगे मेरा नाराज होके बैठना और थोड़ा सा रोना भी लिया है ना तुमने पूरा रोना मत डालना कमर यहाँ मुझे हो रहा है कमर में बहुत ज्यादा तकलीफ इसने उठा लिया भारी कोई बोरा उठा लिया भारी और यहाँ पे हीरा करने आ रही इसकी मालिश हीरा करने आ रही इसकी मालिश हीरा करने आ रही क्या हीरा गर्म तेल की मालिश कर रही है गर्म तेल की मालिश कर रही है गर्म तेल की मालिश कर रही है बहुत तकलीफ हो रही हूँ बहुत तकलीफ हो रही हूँ बहुत तकलीफ हो रही हूँ गर्म सरसों के तेल से करता हूँ वो ज्यादा फायदेमंद है हीरा अपने मोटे मोटे हाथों से मालिश करने जा रही है हाथों से मालिश करने जा रही है बैठा हुआ डॉक्टर से तुम्हें इधर हर वक्त मीम भी देखते रहते हैं हर वक्त मीम भी देखते रहते हैं ये हमारे बीच में घुस के बैठा है ये रे मेहरान भाई भाई हट जाए यार क्या हो गया हटूंगा ही ये रही मैं आज ही ले जाऊंगा इसको हटूंगा अरे इसको ले जा चले आज अस्सलाम वालेकुम आनी आनी अच्छी आ रही हो नहीं कैमरा है ये मेरे नाना है अभी छुट्टी पर से आना है मैंने बोला ये मेरे नाना है तो कह रहे कल की छुट्टी परसों को ये मुईज की कमर पे बन गया है दुपट्टा इनकी कमर गई है चका हीरा ने अच्छे से खूब मालिश करके बांध दी है और मुनीषा को स्मेल आ रही है इसी चीज की आ रही है ना बैंड की सोने नहीं जाते ये जुमरात को आएगी सोने नहीं जाते ये भी नहीं जाते ऊपर सोने के लिए ये जुमरात को आएगी सुन तो फरहान में ऊपर ही सोते हैं हाँ मेरा जुमरात को आएगी सोता ही डर लगता है आई दिसंबर को मैं भी रुकने आऊंगी तुम कहाँ से आओगी तुम्हारा कोटा पूरा हो गया जी नहीं मैंने आपसे डील डन करी हुई जब ही एक दिन पहले जा रही हूँ घंटा घंटे अजी घंटे कोई नहीं घंटा ढोल हर चीज आप कुछ बोले ना नहीं, लोग आपको पसंद करते हैं एक लड़की ने कमेंट किया फरहान में बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हैं तफरी करते हैं मजा आता है उनको देखकर पक्का जब चाहे आप मेल देने में खुद फोन कर लूंगा इनके 3 नंबर है एक और बता दे व्हाट्सएप कॉल 03 हद हो गई नहीं काटूंगी थोड़ी रायमा हमारी चाय का है नंबर इनका डिस्क्रिप्शन में डाल दे अरे वो ही चाय कहाँ जा रहे हैं फरहान भाई कहाँ जा रहे हैं एक फरहान है अरे हीरा टाइम देख क्या एक बज रहा फिर छोड़ यार मैं वहीं से घर निकलेंगे फिर उसको उठा रहे मेहरान आपने उसको उठा दिया आपने लाइट ऑन की थी इन्होंने जानबूझ के मेरी मुन्नी को उठा दिया इतने से आया वो सो रही है आंखें बंद करके रो रही है मेरा गोद में लो गोद में ऐसे बिठाओ नहीं एकदम से सो तो कंधे से लगाओ पे आंखें पूरी नींद में हो रही है यहाँ सूप पीने की प्लानिंग हो रही है क्या कर रही हो हीरा क्या कर रही हो इतना गर्म सादा हो
इन्होंने हीरा उठा दिया। तो फाइनली हीरा जा रही है अपने घर पे, इनको बहुत शदीद की नींद आ रही है, इनके बच्चे खड़े खड़े सो रहे हैं। अपने ब्लॉग का एंड, सब जा रहे हैं अपने अपने घर पे, सब पे का मतलब है हीरा जा रही है अपने घर पे वापस। रुक जा बट ये नहीं रुक रही, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। चाहना आनी मैं के पास जाके रुका करती थी घुटने में, रोनी इसको नींद आ रही है, बच्ची नींद से उठ गई। इनकी आंखें देखें, सबको लूंगी एक मिनट, आराम से सो। रात के 2 बज रहे हैं, सब तो चले गए हैं और मैं रानी अब जा रही घर की तरफ। अब मुझे भी बहुत ज्यादा नींद आ रही है, अब मैं जाऊंगी कल अपने के, अब मैं अपने घर पे कल जाऊंगी। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।